नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी रिसर्च सेंटर में। और हम एचपी पटवारी के जीके सेक्शन को हिट कर रहे हैं। 2013, 15, 16 का हमने देख लिया और अब जो है हमने 2019 का देखना है। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे, चलिए जल्दी से करेंगे, छोटा सेशन होगा। 25 सवाल कैसे आए थे वो हम चाहते हैं समझना जानना। पहला सवाल है कि सॉन्गटोंग कड़छम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है लोकेटेड ऑन विच रिवर, किस पे होगा। कड़छम नाम से ही आपको विदित हो गया कि ये सतलुज की बात हो रही है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, भारत की सबसे लंबी सुरंग जो है कौन सी है पूछी, चेनानी नाशेरी, जवाहर विजय लेह। तो करेक्ट आंसर इज चेनानी नाशेरी। आज का तीसरा सवाल है, पत्तियों का रंग हरा किसके कारण होता है, जिंक, नाइट्रोजन, क्लोरोफिल या फिर नन ऑफ द अबव। यू ऑल नो, कितने बेसिक से सवाल है ना। करेक्ट आंसर होता क्लोरोफिल। आगे बढ़े तो कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, जो मेन ब्रेन ऑफ कंप्यूटर होता है उसको क्या है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। सो प्लीज रिमेम्बर, ये है आपका ऑप्शन सी, दैट्स योर सीपीयू। आगे बढ़े, भारत में पहली ट्रेन जो है वो कब शुरू हुई थी, याद करिए, मुंबई टू ठाणे जो है पहली ट्रेन चल पड़ी थी, बहुत पहले चली थी 1853 में सर, 16 अप्रैल 1853 आंसर हो गया। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। ग्रेटर हिमालय नेशनल पार्क की बात कर लो, चाहे आप 2014 में इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिल गया था, है ना। और क्या बोलते हैं आपका कालका शिमला की बात करें 2008 में, ये सवाल बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, इवन डेट भी पूछ सकते हैं। और कम्युनिटी पे मैंने क्वेश्चन डाले हुए हैं, प्लीज वहां पे जाके चेक करिएगा अभी, ठीक है। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपका जो है ग्रेटर हिमालय नेशनल पार्क। अच्छा, सिर्फ आपने स्टेट ही बताना है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सर, हिमाचल प्रदेश का कुल्लू है वैसे तो। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, भारत का कौन सा स्थान जो है छोटा लहासा के नाम से जाना जाता है। प्यारे बच्चों, एचपीजीके की सीरीज चली हुई है जिसमें हम 1000 सवाल जो है कर रहे हैं, ठीक है, 700 प्लस हो चुके हैं। जाके इस सीरीज को जरूर देखिएगा, किसी भी पेपर में बैठ जाइए, एचपीजीके वहीं से लगभग लगभग आपको देखने को मिलेगी। ये सारे सवाल हमने किए हैं, छोटा लहासा सर धर्मशाला हो जाएगा। आगे बढ़े, संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना किसने की। और तो और लगभग लगभग 1000 सवाल जो है वो टैट, टीजीटी, टैट आर्ट्स के सारे पेपर करवा दिए गए हैं, इवन जेबीटी के भी मोस्टली करवा दिए गए हैं। पूरी कोशिश है, क्योंकि आपका पेपर आने वाला है, और पूरे प्रीवियस ईयर पेपर करके जाइए तभी आपको आइडिया होगा। तो संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की थी आपके पाणिनि ने, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़े तो ड्राई आइस क्या है, कितना लड्डू सा सवाल, अगेन साइंस का पढ़ा हुआ है, सब कुछ किया है, रिवाइज हो रहा है, आप बच्चों का रिवीजन के लिए ही ये क्लास लेके आए हैं। व्हाट इज ड्राई आइस, तो ये है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो आप बादल बादल देखते हैं मूवीज वगैरह में, वो वही है। आगे है, उस जीव का नाम बताइए जो पक्षी तो नहीं है लेकिन वह उड़ सकता है, बिल्कुल उड़ सकता है, इनमें से कौन है, वुड पैकर, ऑल, ऑस्ट्रिच और पैट। सो आपको बताया, ओनली मैमल विच कैन फ्लाई, ऐसे करके एक लाइन आपको करवाई है, और वो है आपकी चमगादड़ और पैट। और यहाँ पे साउंड, साउंड वेव्स, फ्रिक्वेंसी की बात भी हम करते हैं। आगे बढ़े तो कौन सा ग्रह जो है सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है, कितना, सोलर सिस्टम चैप्टर देखो जा रहा जाइए, इससे भी डीप डीप पढ़ा है ये तो, क्या ही है। तो ये आंसर हो जाएगा आपका वीनस शुक्र, ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट, है ना। क्लोजेस्ट मरकरी जरूर है बट वो गर्म नहीं है। व्हाट वाज द शिवालिक माउंटेन नोन एज इन एंशियंट टेक्स्ट, क्या बोलते हैं इन्हीं को प्राचीन ग्रंथों। शिवालिक जो है वो आउटर हिमालय, याद करिए हमीरपुर, ऊना, वो जो मैदानी भाग और पहाड़ी क्षेत्र है, शिवालिक माउंटेन है, तो इन्हीं को तो मेनाक पर्वत कहते हैं, शिव की जटाएं, है ना, बहुत सारे, वो एचपीजी के सीरीज में हमने सारे देखे हैं, मेनाक पर्वत। आगे बढ़े तो विश्व जल दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, ये टैट आर्ट्स कमीशन में कई बार आपको देखने को मिल जाते हैं, 22 मार्च, 8 मार्च, 5 जून और 14 नवम्बर। 8 मार्च बड़ा इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल वुमेन डे, और ये जो है 22 मार्च को हम मनाते हैं। 89 सवाल है, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सबसे बड़ी प्राकृतिक झील जो है वो स्थित है। नो डाउट यहाँ पे तो लड्डू सवाल ही है, जीके सेक्शन आप बच्चों के लिए, क्योंकि आपकी मेहनत इतनी अच्छी है कि ये आसान लग रहे होंगे आपको। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सबसे बड़ी प्राकृतिक झील स्थित है, और ये है हमारा ऑप्शन नंबर ई, दैट्स योर सिरमौर डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट सवाल क्या है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ सन एनर्जी, भाई सन जो है, करो जरा याद, हाइड्रोजन हीलियम में रूपांतरित होता रहता है, वो प्रोसेस वहां पे चलता है। करेक्ट आंसर हो गया न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, फ्यूज मतलब जुड़ते हैं, हाइड्रोजन हीलियम में जुड़ेगा फिर बाद में स्प्लिट, है ना, वो प्रोसेस चलता ही रहता है वहां पे। आगे बढ़े तो राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकेडमी NAARM स्थित कहाँ पे, हेडक्वार्टर पे एक सवाल पूछना ही था, सो ये इस क्वेश्चन के साथ गए, ठीक है। NAARM जो है ये एकेडमी जो लोकेटेड है, ये आपके वैसे तो बहुत सारे सेंटर हैं, उनमें से एक हैदराबाद में भी है, हैदराबाद आंसर हो जाएगा। 1939 में धामी आंदोलन के नेता कौन थे, इससे पहले इन्होंने सुकेत आंदोलन पे सवाल किया था, और इस बार तो आंदोलन जितने भी हुए हैं सारे
उनको जरूर जरूर पढ़ना, ठीक है। कांसीराम, पद्मदेव, शेर सिंह, भागमल सोठा, अगर आप चाहते हैं कि यूट्यूब पे हो तो आपको कमेंट करना होगा कि सर हम चाहते हैं ये सेशन हो इसके बाद, ठीक है। तो धामी मूवमेंट के जो लीडर रहे प्यारे बच्चों वो थे भागमल सोठा, ऑप्शन डी। आगे बढ़े तो हिमाचल प्रदेश का उच्च न्यायालय कब स्थापित किया गया, ये सारे सवाल हमने किए हुए हैं, है ना। एच बी इसके बाद बने और ये 1971 में हुआ है, राइट। हाई कोर्ट ऑफ, इवन हाई कोर्ट में जितनी भी एचपीजी की आई है उसके 100 सवाल जो है हमने किए हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको ये मिल जाएगी वीडियो, ठीक है। तो वहां से भी आइडिया मिलेगा आपको कैसे सवाल लेते हैं। इवन अलाइड के सारे सवाल कर लिए हमने, 300 के आसपास एचपीजी के पूछी हुई है, और एचएस की भी हम कर रहे हैं सॉल्व, इसमें भी लगभग 250+ आए हैं। मेरा ये मानना है एचपीजी के आप प्रीवियस ईयर पेपर की करके जाइए, स्पेशली इन पेपर की, ये हायर पेपर है। इवन अगर पीजीटी की कर सकते हो कर लीजिए, वहां पे ज्यादा तो नहीं पूछते हैं, 8-10 सवाल ही होते हैं, वो करिए। असिस्टेंट प्रोफेसर में भी आ जाती है एचपीजी के, तो वो सवाल नेक्स्ट लेवल पे होते हैं और वही सवाल सेम आपको पूछेंगे। ऐसा मत सोचना कि वो रिपीटेड होंगे, वो हो जाएंगे, रिपीट होते हैं, ठीक है। आसान सी चीज़ है, इसको जरूर करना, और मेरी तरफ से पूरे एफर्ट्स हो ही रहे हैं, ठीक है। आगे भी होंगे। भूतनाथ मंदिर कहाँ पे स्थित है, मंदिर अभी हाल ही में हमने किए हैं 100 के आसपास, हालांकि पार्ट वन है वो, पार्ट टू भी बहुत जल्दी आएगा अगर आपको चाहिए होगा, क्योंकि मंदिर इसके अलावा भी बहुत सारे हैं ना, जितने आपको करवाए हैं उससे दुगने अभी बचते हैं। भूतनाथ मंदिर जो है प्यारे बच्चों ये आपके मंडी में है, मतलब 40-50 मंदिर और भी इंपॉर्टेंट है जहाँ से सवाल बन सकते हैं। आगे बढ़े तो मानव पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग जो है वो कौन होता है, 20 फुट का, ये टोटल 30 फुट की होती है, यू ऑल नो। जेजुनम, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम, ये 3 पार्ट हैं, ये किसके हैं, ये स्मॉल इंटेस्टाइन की बात हो रही है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कुफरी जीवन, कुफरी ज्योति, इससे पहले भी एक सवाल आया था, कुफरी जीवन और कुफरी ज्योति जो है 2 प्रसिद्ध किस्में यानी वैरायटी ब्रीड्स, और उसके ऊपर सवाल आ सकता है, ये आलू की ही है। और सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट है ना बैपलोई में, आपके शिमला में है, तो ये सवाल भी पूछा हुआ है, बन सकता है। दांतों की सबसे बाहरी परत जो है वो क्या कहलाती है, 2123/2123 इसका फॉर्मूला है, डेंटाइन है, वट इज द आउटर मोस्ट लेयर, अच्छा मैं हिंदी देख रहा हूँ यहाँ पे, हिंदी बड़ी अजीब सी है, ये आंसर हो जाएगा आपका एनिमल, एनिमल है, ठीक है, एनिमल। क्वेश्चन नंबर 98 है, आपने ये देखा ही है, खाने के पैकेट पे लाल और भूरे रंग जो है निशान से भोजन की कौन सी विशेषता बताई जाती है, लाल और भूरे दोनों बोले हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वेज एंड नॉन वेज हो जाएगा आपका, अच्छा ग्रीन होता है, यस, वेजिटेरियन के लिए वो ग्रीन सिंबल होता है, और लाल और भूरा आपका इसके लिए, तो मांसाहारी हो जाएगा यहाँ पे। और द मेन कॉज अर्थक्वेक का क्या है, अर्थक्वेक का मेन कारण क्या है, टेक्टोनिक जो प्लेट्स हैं उनका आपस में एक दूसरे के ऊपर थोड़ा सा फ्रिक्शन हो जाना, है ना, वो हमने किया है। और यहाँ से वेव्स प्रोड्यूस होती हैं एनुअल टाइम में, इससे डीप यही पूछेंगे कौन सी प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव, कितने फास्ट आती है, कौन डिस्ट्रॉय करेगी, है ना, वो चीज़ है। और कांगड़ा में भी एक बर्फ कंप आपको देखने को मिला ही है, कालिंदी पर्वत भी है प्यारे बच्चों, और ये वैदिक नेम ऑफ विच रिवर, यहीं से ये नदी चलती है निकलती है, 4 धाम है एक, है ना, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, और साथ में सर यमुनोत्री, जहाँ से यमुना आपको देखने को मिलती है, तो कालिंदी जो है इसी का नाम है। ये थे भाई आज के आपके 25 सवाल, इसके साथ हमने पटवारी में अभी तक जितना भी जीके सेक्शन आया है 2013, 15, 16 और 19 हमने कर लिया है। और इसके बाद आप मुझे बताइए कि क्या आप चाहते हैं कि इसी तरह से हिंदी सेक्शन को भी किया जाए और इंग्लिश को भी किया जाए, तो बहुत जल्दी आपको वो क्लासेस भी देखने को मिलेंगी। थैंक यू सो मच, आई होप स्कोर आपका बढ़िया ही है, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, ओके एवरीवन।